इस तरह से ये हमारे पास मार्क्स हैं। आप अगर पेन कॉपी रखें और थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ नोट करते रहें तो थोड़ा एक्टिव रहेंगे आप, है ना। ये जैसे जैसे मैं लिखूं वैसे वैसे मैं स्लो करूंगा थोड़ा सा, आप बस मुझे उसी के साथ साथ समझते भी रहें हर स्टेप को और उसको रिपीट भी करते रहें और लिखते भी रहें। तो मार्क्स हमारे पास दिए हुए क्लास में और उसकी रेंज दे दी है हमें 0 to 10, ग्रुप डेटा कहते हैं इसको, 10 to 20 एंड 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड 40 to 50। दूसरी बात ये, मंडे ऑनवर्ड्स एक नया बैच इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपका कोई भी क्लासमेट, बैचमेट, स्कूलमेट, कोई भी आपका रिलेटिव जानता हो उसने मतलब जिससे चाहिए क्लासेस, तो फर्स्ट मंडे से इंशाल्लाह एक न्यू बैच स्टार्ट कर, तो उसमें फिर उनको टाइमिंग्स दे दी, क्योंकि बच्चे भी आजकल परेशान हैं क्लासेस के लिए और ऑब्वियस सी बात है हम भी भाई एज एन इंस्टीट्यूट हम भी परेशान हैं कि किस तरह से पब्लिसिटी करें, किस तरह तक बच्चों तक पहुँचे। तो आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उन बच्चों की हेल्प करें। ये मार्क्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं इन दिस कैटेगरी, वो हमारे पास सपोज करो 5, 7, 3, 2 एंड 3 सपोज करो ये हमारे पास। तो ये हमारे पास अगर डेटा दिया हुआ है तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी आपको मेंशन किया हुआ है उसको रियल लाइफ में फील किया करो कि ये क्या हुआ है, व्हाट इज द क्वेश्चन। ये तो हम सारे के सारे करते हैं, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हेन, वेयर, ये थोड़ा सा और अपने आप से पूछा करो, ऐसा ही क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों लिखा है। तो ये हमारे पास एक टेबल है, इसको अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है 50 मार्क्स का एक टेस्ट है और हमारे पास जो यहाँ पे आ रहे हैं अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का सम, 20 आ रहा है, यस। तो 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास और जो 50 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया होगा तो उसमें कुछ बच्चों का मार्क्स जो है वो 0 से 10 के बीच में रहा होगा, तो दे आर 5 स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स गॉट द मार्क्स बिटवीन 10 टू 20, दे आर 7 स्टूडेंट्स। सम आर इन बिटवीन 20 टू 30, 3 स्टूडेंट्स, 30 टू 40, 2 स्टूडेंट्स एंड 40 टू 50, 3 स्टूडेंट्स। दैट इज द आवर डेटा जो हमें बताता है कि ये हो क्या रहा है। मैंने आपसे कहा था कि नहीं, इस डेटा को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम क्लास में आके टीचर आके पूछते हैं, अच्छा बताओ बच्चों फेल टेस्ट हुआ था आप लोगों के पास, सबके पास मार्क्स आ गए, मुझे बताओ कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके 10 से नीचे हैं, वो खड़े हो जाओ, ठीक है। अब जो 10 से नीचे जो खड़े होंगे वो 5 स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स 0 to 10, ठीक है। अब जैसा टीचर आके कहने लगे 50 मार्क्स का था, भाई नहीं बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, अच्छी बात नहीं है, मैं तो चाह रहा था सबके 40 से अबव आते, 45 से अबव आते, अच्छा बताओ कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 से नीचे हैं, बिलो 30 वो वाले बताओ, उनके साथ और मेहनत करेंगे, उन्हें और एक्स्ट्रा क्लासेस देंगे। तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जो बिलो 30 होंगे, कोई मुझे बताएगा इसमें? टोटल 15 स्टूडेंट्स होंगे, यस। तो अब इसमें क्या होता है, जब आप इस तरह से पूछते हो तो आपने एक साथ 2-3 क्लासेस मर्ज कर दी, आपने ऐड कर दिया, क्यूमुलेटिव कर दिया, तो इसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि भाई आपने उन सबको ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हम दो तरह से अपना डेटा मेंशन करते हैं, एक तो हम ये पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिलो 30, बिलो 40, वी विल ट्राई अगेन, हम उनके साथ और मेहनत करेंगे, और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपका रिटेस्ट लेंगे। तो एक तो ये सिचुएशन है। समटाइम टीचर ये भी पूछता आती, अच्छा बताओ भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा कि आप लोगों ने, वेरी गुड वेरी गुड, बताओ 40 अबव वाले कितने बच्चे हैं हमारी क्लास में, ठीक है। तो जैसे ही आपने कहा अबव, या अच्छा बताओ चलो ठीक है 30 अबव वाले कितने, अच्छा भाई 30 अबव वाले ये बच्चे हैं और इन्होंने जो है क्वेश्चंस थोड़े थोड़े सिली मिस्टेक्स करें, बट यू आर गुड, तो आप तो सिर्फ प्रैक्टिस करो और 0 से 30 वालों को आओ चलो दोबारा से क्लास लेते हैं। तो कभी कभी डेटा जो है आपसे ये भी पूछा जाता है अबव, जैसा हम अक्सर बात करते हैं, मैं हमसे कह आपसे बार बार कह रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स इज जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ द डेटा। जहां भी डेटा बहुत सारा आ जाता है वहां स्टेटिस्टिक्स यूज होता है। क्रिकेट मैच 50 ओवर्स हो रहे हैं, 50 ओवर्स मीन 300 बॉल्स हो रही है इन एन इनिंग, 300 बॉल्स हो रही है तो कितने रन बन रहे हैं, किस बैट्समैन ने कितने बनाए, किस ओवर में कितने रन बने, क्या एवरेज है, वो सारा स्टडी ऑफ डेटा डेटा है, वहां स्टेटिस्टिक्स यूज होता है।
अगर आप क्रिकेट मैच देखोगे उसमें हर चीज चल रही होती है, टेबल चल रही होती है, ग्राफ चल रहा होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल चल रही होती है, औजाइब चल रहा, वो सारे के सारे आपको प्रेजेंटेशन वहां मिल रहा है। मीन आपसे बार बार कहता है कि भाई इस प्लेयर का जो एवरेज स्ट्राइक रेट है, तो एवरेज स्ट्राइक रेट मतलब हर बॉल पे इतने रन तो ये बनाता ही बनाता है, इस विकेट कीपर का ये बॉलर का ये एवरेज बॉलर बॉल है कि हर विकेट पे ये 10 रन पे ये एक विकेट ले लेता है, तो वो एवरेज आ रहा है वहां पे, वो सारी चीजें आप देख रहे हो। तो हमारा डेटा का प्रेजेंट है, जैसा हम आपसे पूछते हैं कि भाई हमारे पास आजकल इकोनॉमी में बात चल रही है कि सर वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो वो कौन सी क्लास है कि भाई जो भी हमारे यहाँ 6 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दे रहे हैं, शो कर रहे हैं इनकम, भाई हम उन्हें मिडिल क्लास में रख रहे हैं या पहले, तो वो हमने रेंज बनाया। तो वहाँ आपसे कभी कभी कहता है ऊपर वाले बताओ, अच्छा मिडिल क्लास से ऊपर कितने, आपसे कभी कहता है नहीं सर पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले बताओ, तो दोनों तरह से हमारे यहाँ डेटा मालूम किया जाता है। तो दोनों को कैसे परसेंट करते हैं, तो पहले तो टर्म सीख लीजिए, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अब हमने उसको वापस करना है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, वो मुझे बताना, लेकिन पहले बना लेते। तो यहाँ पे आपसे क्या कहेगा, आपसे कहेगा लेस देन इक्वल टू 10, ये मतलब, या बिलो 10 भी कह सकता है, लेस देन इक्वल टू 20 एंड लेस देन इक्वल टू 30 एंड लेस देन इक्वल टू 40 एंड लेस देन इक्वल टू 50। तो आपसे अगर इंक्वायरी ले रहा है, इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो ये टर्म्स आपसे पूछ सकता है, और यहाँ पे आप डेटा बताओगे कि भाई कितना डेटा है लेस देन 10, तो इसे हम कहेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था कि अगर यहाँ पे आके टीचर ये कहने लगे कि भाई मुझे वो स्टूडेंट्स बताइए जिनके मार्क्स 0 से नीचे, तो क्या कोई सेंस बनेगा कि बिलो 0, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप लेस देन 0 नहीं यूज करो। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा आया है वो लेस देन 10 आया, फिर लेस देन 20 आया, फिर लेस देन 30 आया, फिर लेस देन 40 आया, फिर लेस देन 50 आया। तो अगर आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना है तो आपको अपर लिमिट यूज करेंगे, कौन सी लिमिट यूज करोगे, अपर लिमिट, अपर लिमिट, तो यूज अपर लिमिट ऑफ क्लास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं बेटे बिलो 10 जो है, बिलो 10 जो है वो सीधा सीधा सा 5 है, तो फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज हम यहां 5 रख देंगे यहां, ठीक है। अब आपसे कहा जाए बिलो 20 कितने हैं, तो बिलो 20 का मतलब ये है कि ये 5 भी आएगा और ये 7 भी आएगा, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे, तो 5 प्लस 7 जो होगा वो 12 हो जाएगा। बिलो 30 आप फिर 3 को ऐड कर दीजिए, तो 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। आपसे कहा जाए बिलो 40 तो फिर 2 को ऐड कर दीजिए, तो ये 17 आ जाएगा। और आपसे कहा जाए बिलो 50 द होल क्लास, तो वो 20 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो अगर आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, अपर लिमिट यूज करेंगे, फर्स्ट क्लास में एज इट इज आप फ्रीक्वेंसी लेंगे और नेक्स्ट ऐड करते चले जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। एक टेबल आप फॉर्म, एक टेबल आप फॉर्म करिए प्लीज। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपको फॉर्म कर, कोई सा भी ले ले। प्लीज इसको फॉर्म करिए सब बच्चे जल्दी से, कितना तेज करते हो बताओ। तो डन जल्दी, वेरी नाइस।
मैं भी आपके छोटे छोटे से ग्रुप स्कूल वाइज भी बनाऊंगा आज इंशाल्लाह, तो फिर आपसे स्कूल वाइज भी डिस्कस करूंगा कि आप लोगों के स्कूल्स में क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से सारे कंटिन्यूअस जी बेटे सारा कंटिन्यूअस है बस लास्ट सब कुछ नहीं कर लिया? Yes, sir. Yes. Well, well, well. Please check with me. क्या आप लोगों ने क्या किया? हमारे पास क्या है बेटे, हमें अपर लिमिट यूज करना है. हम डायरेक्ट टेबल नहीं लिखेंगे, ये कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम तो सीधा बनाएंगे. हम क्या मेंशन करेंगे, गर्म कर रहे हैं कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, दैट्स इट, ये मेंशन करेंगे. और यहाँ हम लेंगे बेटे जो भी हमारे पास क्लास दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, ठीक है. और हम यहाँ यूज करेंगे पहला वाला, कहाँ से स्टार्ट होगा? लेस देन इक्वल टू 25. Then less than 40. Then less than equals to 55, 70, and 80, and 100. ये हमारे पास डेटा है. हमें अपर लिमिट यूज करना था. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, लेस देन, ध्यान रखिएगा. तो आपके पास पहला तो एज इट इज आना है 2, देन ऐड करिए बेटे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 6 इज 30. तो इट इज आवर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल. यहां तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर. वेरी नाइस. मैं आपसे कह रहा हूं कि सर मुझे वापस फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए. हम क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, बट वी नीड फ्रीक्वेंसी टेबल. देखो क्या कह रहा हूं मैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के. हमने लास्ट यहां तक तो ऑलमोस्ट कर ही लिया था. सपोज करो वी हैव दिस डेटा एंड वी नीड टू फाइंड मीन, ठीक है. मुझे मीन फाइंड करना है, तो मुझे मीन कैसे मैं फाइंड कर सकता हूं ये बताइए. तो मीन के लिए मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए. तो आपका सिर्फ पार्ट इतना है, चेंज दिस टेबल इंटू फ्रीक्वेंसी टेबल, सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल. सब बच्चे सोचिए, सपोज करो अभी मैं कुछ बताया भी नहीं कैसे चेंज करते हैं, सब सोचिए कि हो क्या आ रहा है. जब आप खुद से सोचने वाले बन जाएंगे इंशाल्लाह, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर लिया करें कि ये हो क्या आ रहा है. आपके पास क्या है, सर्वे रिगार्डिंग द हाइट्स ऑफ 51 गर्ल्स ऑफ क्लास 10th ऑफ स्कूल वॉज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वॉज ऑब्टेंड. जो बच्चे ऐसे है जिनकी हाइट लेस देन 140 सेंटीमीटर है, दे आर 4 गर्ल्स. Less than 145, 11 girls. Less than 150, 29 girls. Less than 155, 40 girls. Less than 60, 46. And less than 165, total 51 girls. So number of girls add hota ja raha hai. It is less than cumulative frequency table. Main aapse keh raha hun, change into it frequency table. So main aapse keh raha hun, mujhe frequency table chahiye. So frequency table hum kya karenge? Sir, done. प्लीज एक मिनट रुकिए थोड़ा. जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कर पा रहे उनसे बात करने दीजिए. जिन्होंने कर लिया है बहुत अच्छे, शाबाश. अब आप सबसे पहले बेटे फ्रीक्वेंसी टेबल में दो चीजें आनी है. सब बच्चे मैंने आपसे कहा ना खुद से स्टार्ट करेंगे तो आधी चीजें इंशाल्लाह खुद कर लिया करेंगे. फ्रीक्वेंसी टेबल में दो चीजें आनी है, एक तो मुझे क्लास इंटरवल्स रखने या क्लास साइज रखना है. तो क्या क्लास इंटरवल होंगे मुझे ये बताइए. और क्लास इंटरवल में भी ये बताइए, पहला वाला क्लास इंटरवल क्या रखूं?
वेरी गुड। क्या आप मुझे बच्चे ये बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150 आ रहा है, तो यहाँ पे क्लास साइज क्या आ रहा है? वेरी गुड। तो पहली चीज तो ये है, कि हमारे पास जो क्लास साइज आ रहा है वो 5 आ रहा है। वेरी गुड। अब हम स्टार्ट कहाँ से करें? अगर हमने ये कह दिया कि भाई 140 से 145 स्टूडेंट्स कितने हैं, 140 से 145 कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, 140 से 145, सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने क्लास लिया बेटे कि 140 से 145, the height in between 140 to 145, तो ये कितने स्टूडेंट्स होंगे? 7। यस सर। तो क्या यहाँ पे 11 minus 4? यस गुड। तो क्या हमने यहाँ कुछ मिस कर दिया? क्या इससे नीचे भी स्टूडेंट्स होने चाहिए? 135 to 140। हाँ, तो हमने क्या करा बेटे, हमने मिस कर दिया कि भाई 140 से नीचे वाले भी तो स्टूडेंट्स हैं कुछ यहाँ, तो वो हमने मिस कर दिया। तो अगर लेस देन है तो हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो अच्छा, तो ये आप जाना तो जीरो से भी जा सकते हो क्योंकि मेंशन नहीं किया है, आप चाहो तो 0 to 140 भी ले सकते हो, 0 to 140, बट जो क्लास साइज चल रहा होता है उसी की बात करते हैं। तो जीरो ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे 135 to 140। तो आपको ये स्टार्ट करना है कि मेरा पहला क्लास साइज क्या है। तो अगर 5 का क्लास साइज है तो एक स्टेप नीचे चले जाइए और आप स्टार्ट करिए 135 से। अब सारे यहीं से क्लास साइज बनेंगे, 135 से 140, देन 140 टू 145, देन 145 टू 150, देन 150 टू 155, 155 to 160 and 160 to 165। तो आपके पास यहीं से क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब हमें बात करनी है फ्रीक्वेंसी की। तो आपको अगर याद हो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला वाला फ्रीक्वेंसी हमने एज इट इज रखा था, और यहाँ पे भी कह रहा है कि लेस देन 140 तो 4 है, तो लेस देन 140 में 4 आएगा एज इट इज, ठीक है सर, लेस देन 140 में 4 आएगा हमारे पास। अब हमारे पास बचता है कि 140 से 145 कितने? देखो लेस देन 140 में 4 है और लेस देन 145 में 11 है, तो ये 4 यहाँ ऐड हुए हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल जब बना रहे थे हम प्लस कर रहे थे, अब यहाँ आपको माइनस करना है। तो आप ये करिए कि 4 - 11 = 7, ठीक है, तो यहाँ पे रह जाएंगे 7। नेक्स्ट वाला ऐड हुआ है 11 - 29, तो यहाँ आएगा 18। 29 - 40, तो यहाँ आएगा 11। 40 - 46, तो यहाँ आएगा 6। एंड 46 - 51, यहाँ आएगा 5। तो बस ये आपके क्लास साइज आ गए। यस गुड। तो यहाँ 7, यहाँ 18, यहाँ 11, यहाँ 6 और यहाँ 5। तो दीज आर योर क्लास इंटरवल्स, दीज आर योर फ्रीक्वेंसीज। आप अगर चेक करेंगे तो आपके पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आनी है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, वो सेम आ जानी चाहिए। 4 + 7 = 11 + 18 = 29 + 11 = 40 + 6 = 46 + 5 = 51। ये वाली बात सबको क्लियर है या नहीं? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में हमने ऊपर वाला सेम रखा था और फिर प्लस करते गए थे, इसमें भी हमें सेम रखना है ऊपर वाले को और फिर माइनस करते जाना है। सबको क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई? यस सर। ठीक है, अब हम वेरी गुड, अब हम बात करते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की। इसी क्वेश्चन को लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये क्लास इंटरवल है 10 to 25, 25 to 40। अगर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमें लेना है अबव, हमारा डेटा ही 10 से स्टार्ट हुआ है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे अबव 10 एंड अबव।
तो 10 एंड अबव अगर हम लेंगे तो हमने इस बार यूज किया है लोअर लिमिट, फिर हम लेंगे 25 एंड अबव, फिर हम लेंगे 40 एंड अबव, फिर हम लेंगे 55 एंड अबव, फिर हम कहेंगे 70 एंड अबव, फिर हम कहेंगे 85 एंड अबव। क्या हम यहाँ पे हमारे पास जो मार्क्स है सपोज करो वो 100 तक है, क्या हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे 100 एंड अबव वाले? नो। तो अब हमारे पास जो है लोअर लिमिट लेना है, जब हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी तो हम यूज करेंगे लोअर लिमिट। तो 10 एंड अबव, 25 एंड अबव, 40 एंड अबव, 55 एंड अबव एंड 70 एंड अबव एंड 85 एंड अबव, ये हमारे पास। ठीक है, मैं इस टेबल को दूसरा, मैं इसकी जगह दूसरा टेबल ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है तो मैं चाह रहा हूँ वर्टिकली लूँ जिससे कि आपको बता सकूँ हो क्या रहा है। यस, ये ले। देखिए हमारे पास टेबल है ये, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि मंथली कंजप्शन जो यूनिट्स है इसके अंदर वो 65 टू 85, 85 टू 105। तो अगर हमने यहां से, जैसे हमने लास्ट क्लास में हमने कहा था लेस देन इक्वल्स टू 85, अब आप कह रहे हैं अबव, और हमने कहा अबव 85, तो अगर अबव 85 लेंगे तो ये नीचे 65 वाली टर्म्स रह जाएगी। तो जो हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें आपको लोअर लिमिट से स्टार्ट करना है, यानी कि 65 एंड अबव। देन 85 एंड अबव, देन 105 एंड अबव, 125 एंड अबव, देन 145 एंड अबव, 165 एंड अबव, 185 एंड अबव। अब प्लीज यहां ध्यान से देखिए, अगर आप कह रहे हो 65 एंड अबव तो 65 एंड अबव में ये पूरा डेटा एज इट इज आ जाना चाहिए। 65 ऊपर तो सारे हैं, ये जितने भी हमारे पास हाउस होल्ड हैं, कंज्यूमर्स हैं, जिनकी बिजली की यूनिट जो है 65 से ज्यादा है ओखला में, तो सारे हैं। और फिर 85 वाले कौन से हैं कि भाई उससे नीचे को छोड़ दो, तो हम पहले सारों को ऐड करें इन सबको और यहाँ लिखें 4 + 5 = 9, 13 = 22, 42 = 56, 64 = 68। तो 65 एंड अबव वाले 68, फिर हम कह रहे हैं 85 एंड अबव फिर हम इनको ऐड करें, फिर हम कह रहे हैं नहीं सर अब 105 फिर हम इनको ऐड करें, तो ये तो है गलत तरीका कि हम ऊपर से ऐड करें एक एक छोड़ते जाएं। उससे अच्छा और आसान तरीका क्या है, जब मोर देन आपको लेना है तो यहां देखो 185 से अबव वाले कितने हैं? 4। ठीक है, 185 टू 205 वाले 4। तो अब हम अगर यहां से ऐड करना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है कि भाई 185 एंड अबव वाले 4 है। अच्छा 165 अबव वाले कौन से हैं? इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 8 + 4 = 12 आ जाएगा। 145 above, इन सबको ऐड कर दीजिए तो 12 + 4 = 26 आएगा। Means to say, आप नीचे से ऐड करते आइए 4, 4 + 8 = 12, 12 + 14 = 26, 26 + 20 = 46, 46 = 13। ठीक है भाई, कितना हो गया 59, 59 + 5 कितना हो गया 64, और 64 + 4 कितना हो गया 68। तो अब कहां से ऐड करना है आपको? नीचे से। तो आपके पास 26, then 49, 46, 46, then 59, then 64, then 60. अगर आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है तो एक तो आप यूज करेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यूज करेंगे और नीचे से सर आप ऐड करते हुए जाएंगे। अब हमें बनानी है फ्रीक्वेंसी टेबल, बस एक लाइन और देख लीजिए। अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, सिंपल, हमारे पास ये सपोज करो ये वाली टेबल हमें दी हुई है और हम इससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्या बात हो रही है 65 से अबव की बात जा रही है, तो 65 से नीचे की बात करनी नहीं है। तो हमारा जो क्लास साइज स्टार्ट होगा वो 65 से ही स्टार्ट होगा,
65 से 85, फिर 85 से 105, फिर 105 से 125, 125 टू 145, 145 टू 165 एंड 165 टू 185. अब यहां आप खुद सोचिए, आप कह रहे हो 185 एंड अबव, तो इसका मतलब सम डेटा इज अबव द 185, तो आपको 185 से आगे जाना है, और 185 से आगे कितना जाना है, जितना यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस था यहाँ पे 20 का, तो 185 टू कहाँ पहुंच गए आप, 205, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लास बनेगी 105 टू 205. तो अब यहाँ सोचिए आप कि जब लोअर लिमिट ले रहे थे तो आपको नीचे जाना पड़ा था एक साइज, क्योंकि उसने कहा था बिलो 20 सपोज, तो बिलो 20 का मतलब 20 से नीचे भी कुछ है, और यहाँ कह रहा है 185 अबव, तो 185 से अबव भी कुछ है, तो एक हमारा क्लास साइज बढ़ जाता है, ध्यान रखना दोनों ही केस. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे हमने नीचे से ऐड करना शुरू किया है, यहाँ पे नीचे से सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. पहला वाला डेटा हम एज इट इज लेंगे, 185 से 205 के बीच में एक हमारे पास डेटा है, और वो कितना आ रहा है सर, 4, तो ये 4 एज इट इज रख दीजिए. अब ये ऐड हुआ है, तो 4 माइनस 12 कितना आएगा, 8, 12 माइनस 12 माइनस 26 कितना आएगा, 14. अब आप माइनस करते जा रहे हैं, 26 माइनस 46 कितना आएगा, 46 माइनस 59 कितना आएगा, 13. और 59 64 कितना आएगा, 5. और 64 68 कितना आएगा, 4. तो ध्यान बस इतना सा ही रखना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में अपर लिमिट लेना है, ऊपर से प्लस करना है. मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में लोअर लिमिट लेना है, नीचे से प्लस करना है. और अगर वापस करना पड़े तो आपको वहीं से ध्यान रखना है कि नीचे से ही माइनस करना है, लेस देन वाले में ऊपर से माइनस करना है. ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए या नहीं, अब ये बताओ सब बच्चे. यस सर. कोई भी एक बच्चा ऐसा जिसको नहीं क्लियर है. हाँ जी, कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं आया था. एक टेबल और बताऊं. गुड, चलो. यस, देखो एक एक क्वेश्चन ले लिया. कौन सा वाला टेबल बताना है, बिलो वाला या अबव वाला, ये दोनों. बिलो. एक ही बता रही थी. देखो ये बिलो वाला है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसे फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए. एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं. जी फाद भाई. जी बताइए. जी मैं बोल रहा हूँ. जी जी भाई, ये हमारे पास है. आपसे क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में भी, लाइफ इंश्योरेंस एंड इफ पॉलिसी आर गिवन हैविंग 18 लाइफ, कैलकुलेट द मीडियन. तो मीडियन निकालने के लिए मुझे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल की जरूरत पड़ेगी. तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो यहाँ मैंने आपसे कहा था कि बिलो 20 भी कुछ है. तो बिलो 20 कितना है, यहाँ पे गैप देख लीजिए, यहाँ पे गैप है 5 का. तो ये 15 से स्टार्ट होगा. कहाँ से स्टार्ट होगा, 15 से. तो इसका मतलब 20 is to 25.
आप ठीक हैं? बुढ़ापे में ऐसी चीजें तो होती रहती हैं, बेटा क्या करें बताएं? यस करना गलत लिख जा, मुझे बुढ़ापे में हो जा। हाँ हो जा, बुढ़ापे में क्या करें बताओ। जी जी मैक जी जी अब कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट कुछ आ रहा है? अच्छा वो ही डाल दीजिए जो उसमें हो। जी जो बेस्ट हो वो डाल दीजिए। जी जी बेटे तो 40 to 45 बस यही क्लास साइज चलते रहेंगे कंटिन्यूस, ठीक है? 30 to 35, 35 40, 40 45, 45 55, 50 55, 55 60 as it is, जो टेबल में आपके पास है आप उसी को मेंशन करते चले जाइए। जी वाली उसमें बस पहला वाला लिमिट सेम रखिए और बाकी को माइनस करते जाइए। तो पेमेंट कितना होना है कम कर लो थोड़ा सा, तो कम कम करा लो भाई, सारा ही कराना जरूरी है क्या? तो सर से बात कर लीजिए, थोड़ा बहुत करा लीजिए, नहीं तो मैं कर देंगे थोड़ा बहुत, ऐसे हाथ में रखें तो अच्छा, एक करा दीजिए ज्यादा तभी तो सर आएगा तो इंशाल्लाह करा। जी अब से अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ऐड हुआ हुआ है तो माइनस करिए लेकिन ऊपर से, क्योंकि बिलो 20 सेम दिया हुआ है तो 6 फिर आप माइनस करिए, 24 माइनस 6 कितना हुआ 18, फिर कितना हुआ आपके पास 21, फिर आपके पास कितना आएगा 33, फिर कितना आएगा 11, फिर कितना आएगा 3, then 2, ये आपके पास बेटे फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, ठीक है यहाँ तक? यस सर। गुड, अब समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया क्लास के बाद भी पर्सनल 5 मिनट पूछ सकता है, ठीक है? सही है, अब कॉपी ले लो और पेन ले लो। चलो पांच मिनट मिलेंगे आप सब बच्चों को, 5 मिनट्स, ठीक है? कॉपी पे क्वेश्चन लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है, फोटो खींचना है, ग्रुप में डालना है, इन जस्ट 5 मिनट्स। आप 2 लाइन लिख पाए, 10 लाइन लिख पाए, सॉल्व कर पाए, आपको फोटो ग्रुप में 5 मिनट्स में डालना है। टाइमिंग के बाद अगर 5 मिनट्स के बाद अगर किसी का फोटो आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सही है, तैयार है आप सब बच्चे? Yes. मीन निकालना आता है सब बच्चों को? मैं इनका क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल मीन का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? चॉइस आपकी है, आप किसी भी मेथड से करिए, डायरेक्ट मेथड से करिए, एज यू मीन मेथड से करिए, स्टेप डेविएशन मेथड से करिए, इट इज योर चॉइस, ओके? जस्ट 5 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे पास भेजना है, आप देखते हैं कितने बच्चे इस चीज को कर पाते। All the very best. Yes. There is your question. And time is 4:54. So मैं 4:55 मान लेता हूँ. ठीक है. Time is 4:55. और आपका 5 o'clock तक time. सर इसकी टेबल बना के भेजनी है, टेबल बना के सॉल्व करके